इलेवंथ क्लास बेटा, वेलकम जी, अगेन जी। तो यार, लास्ट टाइम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपने वेरिएशन इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किया, है ना? दो तीन तरह की वेरिएशन है, वेरिएशन ड्यू टू हाइट भी है, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ भी है, फिर वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन भी है। हाइट और डेप्थ वाला आपने कर लिया, रोटेशन वाला या कर लिया होगा या कर लेंगे। ओके, अब यार फिलहाल हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। तो आज के लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम टेकअप करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ठीक है जी। डेप्थ वाला मामला वैसे इजी है यार, हाइट वाला भी इजी है, रोटेशन वाला भी इजी है, लेकिन आज हाइट और डेप्थ वाले अगर हो सके तो कवर अप करेंगे। हाइट वाले तो खैर आज हमने करने ही करने हैं। तो अगर हम चेक करते हैं यार, तो आपने एक्सप्रेशंस कौन कौन सी बनाई? यहीं पे भैया इतनी सी जगह बची है, अब यहां पे फार्मूला एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे हम इसको मिटाते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हमने बोला कि एक तो यार ड्यू टू वेरिएशन ड्यू टू हाइट कर लिया आपने, कि हाइट के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है बेटा। दूसरा आपने डेप्थ भी कर लिया, रोटेशन वाला मैंने बोला या कर लोगे या आपने कर लिया होगा, डिपेंड करता है। अब ये वाला लेक्चर में बीच में लगाता हूं कि लास्ट में लगाता हूं, तो या तो रोटेशन वाला हो गया होगा या फिर इसके बाद हो जाएगा। हाइट वाला तो हो ही गया अपना, हमने हाइट के साथ बेटा जो वेरिएशन है उसका एक फार्मूला निकाला है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर। लेकिन मैंने आपको बोला कि यार ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा हाइट पे जब आप चले गए तब नहीं लगा सकते, क्योंकि तब इससे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे, गड़बड़ानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेटा अप्रोक्सीमेशन भी यूज की है हमने, ठीक है। ज्यादा ही ऊपर चले गए, मान लो हजारों किलोमीटर ऊपर चले गए, 6000 किलोमीटर ऊपर चले गए, अर्थ का रेडियस आर है, 2R ऊपर चले गए, आर ऊपर चले गए भाई, आर बाय टू यानी 3200 किलोमीटर ऊपर चले गए, आर बाय फोर यानी 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए। अगर आपकी हाइट 1600 3200, देखो 1600 जो है वो आर बाय फोर है, क्योंकि आर 6400 6400 किलोमीटर है, अगर उसको बाय फोर करता हूं तो 1600 किलोमीटर आता है। अब 1600 किलोमीटर यानी आर बाय फोर, वहां पे अब एच को, क्योंकि एच आर बाय फोर हो गई बेटा, आर के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा यानी कि हजारों किलोमीटर ऊपर चले गए तब आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें हमने एच को आर के कंपैरिजन में बहुत कम करके आंका हुआ है। तब फिर हम जनरल फार्मूला लगाएंगे बेटा, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + h / r का होल स्क्वायर, ऐसे करके बनाया था मैंने, याद करो, ये बिल्कुल जनरल है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 + h / r का होल स्क्वायर। तो ये चीज डिस्कस करनी जरूरी है, डेप्थ वाले में इतनी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, ये हाइट वाले में तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। यार फार्मूला कौन सा लगाऊं, जनरल वाला लगा दूं कि इससे काम चल जाएगा, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। डेप्थ वाले में कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर हम डेप्थ की वेरिएशन चेक कर रहे हैं ड्यू टू डेप्थ वाला केस कर रहे हैं बेटा, उसमें तो एक ही रिजल्ट निकाला हुआ है तुमने, जी डैश इक्वल टू जी 1 - d / r भाई, हाइट छोटी हो बड़ी हो बहुत बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही एक्सप्रेशन से काम अपना चल जाता है वहां पर, बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें अपना कोई बेसिक पर्सनल रूल ही बनाना पड़ेगा कि जी कितने किलोमीटर तक मैं किस फार्मूले का यूज करूंगा या कितने किलोमीटर तक मैं इग्नोर ही कर दूंगा। तो यहां पे बेटा एक लिस्ट है आपके सामने, इसमें एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि वेरिएशन विद हाइट शो की गई है, ठीक है जी। ये क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है जी, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते थे,
एच से डिनोट करते थे, तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 500 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर ऊपर चले गए भाई, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊपर चले गए, हजारों में चले गए। तो जी की वेरिएशन देखो कैसे कैसे आ रही है। थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज ढूंढ ली, कुछ वैल्यूज निकाल ली, एक टेबल बना दी आपके लिए, बना लेना आप भी इसको, ठीक है, काम आएगा, बना लेना इसको, काम आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यार सरफेस ऑफ अर्थ से अगर आप 500 मीटर तक की दूरी पर जाते हो, 500 मीटर ऊपर चले गए मान लो, कितना जी 500 मीटर, अब 500 मीटर ऊपर जाकर जो एच की वैल्यू आती है वो 7.798 आती है। स्टैंडर्ड हम 9.8 को मान रहे हैं, 9.8 के हिसाब से निकली हुई है यार, इसको अगर तो राउंड ऑफ कर देगा 7.798 को, जब तू राउंड ऑफ करेगा ये 98 तो बिल्कुल 9.8 के करीब ही जा रहा है यार, तो ये 9.8 ही आ जाएगा। कहने का मतलब 500 मीटर की दूरी तक, तो हम अगर इग्नोर ही कर देना कि जी में क्या चेंज आ रहा है तो भी अपना काम चल जाएगा। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, भाई 500 मीटर पे भी जाके कितनी आ रही है, 9.798 आ रही है, तो आप इग्नोर ही कर दो तो भी काम चल जाएगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही डाल रखा है कि भाई निकालनी है तूने तो निकाल लेना, अगर क्वेश्चन डाल ही दिया कि जी कैलकुलेट करके दिखा तो फिर वो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो निकाल लेना भाई, यही फार्मूला लगा देना। अगर बोल रहा निकालनी ही है कि 9.8 नहीं मुझे तो पता कितनी है, तो ये फार्मूला लगेगा, छोटी मोटी हाइट के लिए यही लगता है। लेकिन ये इतनी हाइट है कि ये भी ना लगाओ तो भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये राउंड ऑफ करके 9.8 ले सकते हो। अगर को कहता है राउंड ऑफ नहीं करना मैंने, मुझे तो एग्जैक्ट बता, तो ये वाला फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक है जी। 500 मीटर से नीचे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक तो यार बिल्कुल ही क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। मैं हूं तो कोई यार 500 मीटर भी क्या कर ले, इग्नोर कर ले, ठीक है, 500 से ऊपर वाले को मत करना। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ऊपर चले गए तो वैल्यू आ रही है 9.796, ये भी राउंड ऑफ कर कर खैर 9.8 हो जाती है, लेकिन चलो मान लेते हैं 500 मीटर से वेरिएशन स्टार्ट हो गई है, 500 से नीचे तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। हमने अपना रूल बना लिया इसको देखकर, क्या रूल बना लिया कि भी 500 मीटर से नीचे अगर है हाइट, अगर हाइट 0 से लेके 500 मीटर तक है तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो 9.8 आंसर दे दो। ज्यादा तंग करता है कोई तो उसको निकाल के दिखा दो, ले भाई सर पे मारना कैलकुलेटर से निकाल के, ये ले कर ले जो करना है, राउंड ऑफ तो बाद में फिर भी तुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने रूल बना दिया 500 मीटर से नीचे तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 500 मीटर पे जाके 7.98 आ रहा है। चलो 500 से ऊपर अगर आ गया तो आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन ये फार्मूला ही लगाना है, ये बहुत ज्यादा हाइट है नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहे। 1 किलोमीटर पे जाके 9.796 हो रही है यार, 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, देखा फर्क पड़ गया, काफी फर्क पड़ गया, 10 किलोमीटर ऊपर जाकर काफी फर्क पड़ गया। अब इसको राउंड ऑफ ज्यादा कर दो तो खैर 9.8 तो अब भी हो जाएगा, लेकिन ये 0.798 था, 0.796 थी, इसको फर्क मान लेंगे, ठीक है जी। 10 किलोमीटर पे 9.76 है, 100 किलोमीटर पे देख 9.5 की लाइन में आ गया, और 1000 पे जाकर ये 7 की लाइन में चले गया। अब 100 किलोमीटर तक तो ये था 9.51, 500 का अभी कैलकुलेट कर सकते हो, वो हो सकता है 8 की लाइन में आ जाए। तो अब मैं यहां पे एक रूल बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, एक रूल बना दूंगा कि जी 100 किलोमीटर तक 500 से नीचे तो मैंने बोला
इग्नोर ही कर दो यार, 9.8 लेके चलो, 0 से 500 मीटर तक तो क्या मान लो, 9.8 ही मान लो ना, 0 से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक, तो जी की वैल्यू को क्या मान लो, 9.8 ही मान लो। अब यहां पे थोड़ी डिस्कशन में टाइम लग रहा है भाई, कोई बात नहीं, लगने दो, ये भी बड़ा पंगे वाला काम है कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो मैंने एक रूल बनवा दिया, 0 से 500 मीटर तक तो इग्नोर करो, छोड़ो, 9.8 ही आएगी। 500 जहां आ गया, 500 से ऊपर आ गया तो यूज करो, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना, ये वाला फार्मूला लगा देना, जी इंटू 1 - 2H/R, 500 मीटर से 500 किलोमीटर तक लगा देना। क्योंकि देखो 100 किलोमीटर पे कितनी आ रही है, 9.51 आ रही है, लेकिन 100 के बाद जब 1000 कर रहे हो तो सीधा 7.33 हो रही है, 7.33 कम चेंज नहीं है, बहुत जबरदस्त चेंज आ गया। मैं यहां पे कह रहा हूं 100 और 1000 के बीच की फिगर उठा लो, 500, यानी 0 से 500 मीटर तक तो इग्नोर ही कर दो, 500 मीटर से 500 किलोमीटर तक इग्नोर ना करो, लेकिन चल ये वाला फार्मूला लगा लो बेटा, अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला ये लगा लो। लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ऊपर चले गए, यानी 1000 किलोमीटर की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर यहां पर इसके बाद मैंने बीच में फिगर कौन सी दी है, इनका मिड दे दिया 500 किलोमीटर, भाई 500 किलोमीटर के ऊपर अगर जा रहे हो, 500 किलोमीटर के ऊपर अगर जा रहे हो, जैसे 1000 किलोमीटर पे 7.33 आ रहा था ना, तो इसकी बीच की फिगर उठा ली मैंने, मैंने बोला 100 किलोमीटर तक तो चल ठीक है, 9 की लाइन में ही है ना, यही वाला लगा देना अप्रोक्सीमेशन वाला। लेकिन 1000 की कैटेगरी में जा रहा है जब, तो 7 की लाइन में आ रहा है, तो इन दोनों का बीच की वैल्यू उठा दी, 500 किलोमीटर के ऊपर चले गए, अबव 500 किलोमीटर अबव, तो फार्मूला जनरल वाला ही लगाना, जी अपॉन 1 + H/R का होल स्क्वायर। तो अपना रूल बन गया जी, 0 से 500 मीटर इग्नोर करो, 0 से 500 मीटर इग्नोर करो, 500 मीटर से ऊपर चले गए यानी किलोमीटर की ओर बढ़ रहे हैं, 500 मीटर से ऊपर, 500 मीटर से 500 किलोमीटर तक चल ये लगा लेंगे, 500 किलोमीटर से ऊपर अगर आ गए तो फिर आपको यही लगाना चाहिए, ये वाला जी अपॉन 1 + H/R का होल स्क्वायर जनरल फार्मूला। और डेप्थ वाले केस में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट ही फिर एक ही फार्मूला वही चलता रहेगा। तो उम्मीद है जो 15-20 मिनट मैंने लगाया इसमें, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये चीज को बताता नहीं है, यहां कभी हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार यूज कब करना है, किसको करना है, हम सिर्फ ये पढ़कर सीधा डायरेक्ट फार्मूले लगाना शुरू कर देते हैं, कई बार आंसर फिर पूरी तरह से मैच नहीं करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आंसर वंसर प्रॉपरली मैच करते रहेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, अगर ये हो गया तो इसके बाद फिर हम ये जो न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, शो कर रखे हैं, ये 5-7 न्यूमेरिकल हैं, इसको भी कवर अप कराने की कोशिश करते हैं। बीच में कोई खास बात होगी तो वो भी बता दी जाएगी, ठीक है जी। तो अब इस हिसाब से ये जो मैं फार्मूला लिख रहा था, अब इसकी जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा, साइड पे यूज कर देंगे। ये टेबल बना लो यार, क्योंकि मैं इसको भी मिटाने जा रहा हूं, इसमें भी मतलब बड़ी काम की चीज है ये टेबल, स्पेशली ढूंढ कर आपको दिया है, कुछ वैल्यूज नहीं थी वो कैलकुलेट करके यहां पे लिख दी मैंने, कुछ वैल्यूज नेट वेट पे मिल गई, तो ये बनाकर आपको दे दिया टेबल, काम आएगा। 10,000 किलोमीटर पे जाके देख, 1.49 ही हो रही है, ठीक है जी। अभी कैलकुलेट करते करते ना 3-4 वैल्यूज और बना लेंगे हम, कि अगर हम पूरा पूरा R/4 पे चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, जब R/2 पे चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, जब R के इक्वल ही चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 2R पे चले जाएं तो जी की, मतलब R के टर्म्स में अगर हमारे पास आ जाए ना, कि R/4, ठीक है, R/2,
आर बाय फोर का मतलब होता है 1600, तो देख इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, याद होने चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कि आर बाय फोर पे कितनी आ जाएगी भाई, आर बाय टू पे कितनी आ जाएगी, आर पे कितनी आ जाएगी, टू आर पे कितनी आ जाएगी, फोर आर पे कितनी आ जाएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ये बातों बातों में बीच में कैलकुलेट करवा दूंगा यार, अभी करवा देता हूं। सबसे पहले यही करते हैं कि h इक्वल टू r पे अगर पहुंच जाओ या h इक्वल टू r बाय टू पे पहुंच जाओ तो g की वैल्यू कितनी आ जाती है। ले यही कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले जो मैं बता रहा था न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये पांच साहब तो चलो करानी करानी है फिर हमने, तो मैंने बोला यार इनको छोड़ो, छह नंबर क्वेश्चन ये तो छह कराने कराने है बेटा। मैंने वैसे ही आपको एक एग्जांपल डाला कि कितनी हाइट पर ये जो टेबल बन रहा था ना बेटा, इसके नीचे तीन चार रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये भी साथ में ऐड कर लेना कि मैं बोल रहा हूं यार मैं h इक्वल टू r बाय टू पहुंच गया, r 6400 किलोमीटर है, लेकिन हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, r के टर्म्स में ही निकालेंगे, तो कह रहा है कि g की वैल्यू निकालना। अब बेटा तुम्हें पता है h इक्वल टू आर बाय टू इग्नोर करने वाला नहीं है, यानी यहां पे वो g डैश इक्वल टू वन माइनस टू एच बाय आर नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट वाला फार्मूला लगेगा g डैश इक्वल टू g डिवाइडेड बाय वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि r 6400 किलोमीटर है, बाय टू चले जाओगे तो 3200 किलोमीटर ऊपर हो भी आप। पहले फोर वाला भी निकाल ले, फोर वाला निकालते हैं पहले, आर बाय फोर जी डैश इक्वल टू मैंने क्या फार्मूला लगाया, जी वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर था, यहां से यार जी डैश कितना आ गया, इट विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस एच, एच कितना है आर बाय फोर, एच है जी आपका आर बाय फोर है, तो यहां पे आर बाय फोर पुट करूंगा तो आर आर कट जाएगा, 1 बाय फोर बचेगा बस, तो यहां से g डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट विल बी g डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5 बाय 4 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा 16 बाय 25, देख 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 का स्क्वायर ऊपर चले गया ना बेटा इंटू g, तो जो g डैश की वैल्यू है वो 16 बाय 25 इंटू जी आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करके रख लेना कि r बाय 4 पे वैल्यू क्या आई, 16 बाय 5 कम ही आएगी, ठीक है जी, काफी कम आ जाएगी, तो 16 बाय 25 जी r बाय 4 पे बना लो यार, ये कितनी आ जाएगी 16 बाय 25 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 पुट करके यहां से वैल्यू भी बना के रख सकते हो, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर r बाय 4 की जगह बोलता कि मैं तो r बाय 2 ऊपर चले गया भाई 3200 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि r 6400 है, तो अगर यहां पे r बाय 2 होता तो h की जगह मैं r बाय 2 पुट करता, r बाय 2 पुट करता तो r r कट जाता, ये 1 बाय 2 आ जाता, ये 1 बाय 2 आता, तो चेक कर ले कितना आ जाता, 2 एलसीएम आ जाता, ये आ जाता 3 बाय 2, ठीक है जी, 3 बाय 2 आ जाता तो ये 9 बाय 4 आ जाता, 9 बाय 4 आ जाता तो ऊपर जाके कितना हो जाता 4 बाय 9 जी, चेक कर लेना भाई गलती ना हो गई हो, ये 4 बाय 9 टाइम्स जी आ जाता जी। अब वहां से इसकी वैल्यू जो भी है कैलकुलेट की जा सकती है कि r बाय 2 पे जाकर ये 4 बाय 9 टाइम्स जी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगी। अब मैंने सिखा दिया कैसे करने, तो कुछ वैल्यूज जो मैंने बोली थी r बाय 4 पे, r बाय 2 पे, r पे, फिर 2r पे, फिर 4r पे, तो कुछ वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हो। मैं बस एक और निकाल रहा हूं
कि अगर एच इक्वल टू आर पे पहुंच जाओ, आप कहां पहुंच जाओ, पूरा 6400 किलोमीटर ऊपर, तो बोलो मैं तो गया जी 6400 किलोमीटर ऊपर चले गया। तो अगर आप पूरा यार 6400 किलोमीटर यानी एच इक्वल टू आर पे पहुंच जाओ तो क्या होगा, जी डैश की वैल्यू जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी जी, 1+H/R का होल स्क्वायर। तो ये बने कि 1+H तो R ही हो गया, H R ही हो गया भाई। अगर H R ही हो गया तो यहां पे R बाय R कट गया, 1+1 बचेगा, 1+1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, G बाय 4 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो अगर आप H इक्वल टू R पे पहुंच गए पूरा तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, जी बाय 4, 9.8 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी मेरे भाई। आर पे चले जाओगे तो ये जी की वैल्यू जी बाय 4, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो यार, ठीक है जी। तो कुछ भी कैलकुलेट कर लो, अभी जो हमने आधा घंटा लग गया यार इन चीजों को करते करते स्टार्टिंग में, लेकिन काम आएंगी, आपको आइडिया ही हो जाएगा यार कि कब क्या चीज यूज करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में लिखा, ये लिखते लिखते मेरे दिमाग में आ गया यार ये भी करवा दो, फिर दिमाग में आ गया टेबल ही बनवा दो, तो टेबल ही बना दिया। तो जो हमने सबसे लास्ट में करना था वो हमने सबसे पहले कर दिया, तो ये तो यार टेबल में बना ही हुआ था, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक। अब देखो कि तुम्हें ये दोनों 500 लिख दिया, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर इसको छोड़ ही दे, ये तीसरा हो गया 1000, जो मर्जी निकाल ले यार, ठीक है जो मर्जी निकाल लो निकल जाएगा। 100 किलोमीटर पुट करोगे तो मैंने बोला है 100 किलोमीटर तक कौन सा फार्मूला यूज करना है, 500 किलोमीटर तक कौन सा यूज करना है, फिर अगर 1000 किलोमीटर हो गया तो कौन सी एक्सप्रेशन यूज करनी है, बस इस बात का आइडिया होना चाहिए, आपके आंसर वंसर बढ़िया से मिलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से उधर वाला बोर्ड हम पूरा का पूरा साफ कर ही सकते हैं, उधर से फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो इसको रब करते हैं, तब तक आप अपना क्या कर लो, जो भी चीजें नोट करने वाली थी कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग दे रहे हैं आप। हाँ जी बेटा जी, अब आ जाओ फिर क्वेश्चंस पर, चेक करते हैं एक एक करके, देखते हैं कितना टाइम लगता है, 5 बज गए अब तो, 6वां हमने पहले निपटा दिया। तो कहता है इफ अर्थ इज मेड ऑफ, पहला क्वेश्चन बेटा, इफ अर्थ इज मेड ऑफ लेड, लेड मटेरियल होता है काफी ज्यादा, इसकी क्या होती है डेंसिटी होती है। तो कहता है इफ अर्थ इज मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, बेटा आरडी का मतलब यहां पर रिलेटिव डेंसिटी है, बताते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी 11.3, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है कब, अगर अर्थ किसकी बनी होती मेरे भाई, लेड की बनी होती, लेड की, जिसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू सॉरी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। बाकी बेटा रेडियस वगैरह भी दे रखा है, अर्थ वही है, बस उसके मास में फर्क पड़ जाएगा, देख डेंसिटी चेंज कर दोगे, वैसे जो अर्थ है उसकी डेंसिटी कम होती है, लेड की बनी है कह रहा है कि डेंसिटी ज्यादा होती है, तो रेडियस वगैरह वही है 6.4 × 10^6, वो मैंने यहां पर लिखा नहीं है, रेडियस गिवन वगैरह, पहले बात को समझो, वो रिलेटिव डेंसिटी, हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, पहला यार हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जी निकालने के लिए मेरे पास जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11 क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो भी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में गिवन थी कि जी इतना लेना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10^6 इस क्वेश्चन में गिवन था, तो जी गिवन आर गिवन, अगर हमें मास गिवन होता तो मास की वैल्यू पुट करते, ठीक है, अब लेड की बनी हुई है वो वाला मास गिवन होता तो मास की वैल्यू पुट कर देते हैं आंसर आ जाता, लेकिन यहां पे बेटे डेंसिटी दे रहे हैं, अगर डेंसिटी दे रहा है तो यार याद करो डेंसिटी के टर्म्स में भी मैंने फार्मूला निकलवाया है इसका, इसको कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये जी इक्वल टू
याद करो 4/3 पाई जी आर इंटू रो या रो इंटू आर, ये भी निकाला हुआ है हमने। तो अगर बेटा क्वेश्चन में डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी के टर्म वाला फार्मूला लिख लो। क्या फार्मूला है? 4/3 रो, तो ये पाई जी को याद कर लो, 4/3 पाई जी आर इंटू रो। अब हो गया क्वेश्चन, 4/3 की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है, बच गया क्या? डेंसिटी, ये तो नॉन है ना, वैल्यू पुट हो जाएगी, सॉल्व थोड़ी करूंगा मैं, बता रहा हूं। अब बच गई डेंसिटी। अब उसने असल में डेंसिटी नहीं दे रखी, सीधा बोल देता इसकी डेंसिटी इतनी है तो वो पुट कर देता, लेकिन यहां पर बेटा इसने डेंसिटी की बजाय रिलेटिव डेंसिटी दी है। कभी पहले भी हमने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो दोबारा बता देते हैं, जिसने पहले सुना होगा दोबारा सुन लेगा कि एक तुम्हें यहां रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी मटेरियल की। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है इट्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg per meter cube। अब मुझे तो आमतौर पर ये ऐसा यूनिट वाली वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना, ये वाली केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो 1000 kg per meter cube इसकी वैल्यू क्या करनी है हमने, यूज करनी है। तो ध्यान से सुनना, किसी भी मटेरियल की अगर मुझे डेंसिटी निकालनी हो तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब किसी भी मटेरियल यानी कि लेड की मुझे डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि यहां पे तो डेंसिटी पुट करनी है ना, इसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 11.3, इसको डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या आ गई, लेड की डेंसिटी आ गई मेरे भाई। अब यहां पे ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी, उसने रिलेटिव डेंसिटी दी है, पुट क्या करनी पड़ेगी, डेंसिटी पुट करनी पड़ेगी ना। तो रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती बेटा, सीधा क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू होती है वही उस मटेरियल की क्या होती है, डेंसिटी की वैल्यू होती है, अगर आप CGS यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हो गया, सॉल्व वॉल्व में कुछ नहीं करा रहा, बस इस क्वेश्चन को इसलिए डाला मैंने ताकि ये वाला फार्मूला बच्चों को ना, दूसरे फार्मूले GM/R² वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन डेप्थ, ये सारे फार्मूले बड़े याद होते हैं, ये याद ही नहीं रहता। तो स्पेशली पहला क्वेश्चन इसी पे डाला ताकि ये वाला फार्मूला भी क्या करो, याद करो, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। वो कहेगा एक प्लैनेट ऐसा है उसकी डेंसिटी इतनी, दूसरे प्लैनेट की इतनी, दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बता, तब यही चलेगा फार्मूला। ओके जी, डन हमारी तरफ से, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, जगह को साफ कर देते हैं। तो अगले सवाल की जब हम बढ़े तो हमने इसको क्या किया, साफ कर दिया मेरे भाई, मेरा डस्टर पता नहीं कहां चले गया, इसी से काम चलाते हैं। ओके जी, तो अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 2, क्या कह रहा है सवाल नंबर 2, अ बॉडी वेज 90 kgf, kgf वेट की यूनिट है तुम्हें पता, अ बॉडी वेज 90 kgf ऑन अर्थ, अर्थ पे वो कितना वेट कर रहा है, 90 kgf उसका वेट है अर्थ पे। देखो अब जो वेट होता है ना उसका सीधा सीधा संबंध, सेकंड का सॉल्यूशन, वेट का सीधा सीधा संबंध जी से है मेरे भाई, मास में थोड़ी चेंज आएगा, अगर जी में चेंज आ गया तो वेट में भी चेंज आ जाएगा, अगर जी डबल हो गई तो वेट डबल हो जाएगा, अगर जी 1/6 हो गई तो वेट 1/6 हो जाएगा, जी आधी होगी तो वेट आधा हो जाएगा। अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा है, यही कर रहा होगा, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, तो ऐसे ही कर रहा होगा, ऐसे ऐसे इस प्लेनेट पे चले जाए वहां पे वेट कितना हो जाएगा। मैं कह रहा हूं वेट का सीधा संबंध जी के साथ है,
तो जी के बारे में सोचेंगे। वैसे अपना क्वेश्चन है कि बॉडी जो है अर्थ पे इतना वेट करती है, फाइंड इट्स वेट ऑन मार्स। ले भैया मंगल ग्रह पे पहुंच गए हम, तो मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स पर मंगलयान की तरफ में बैठकर चले गए, उसका वेट कितना होगा? फाइंड इट्स वेट ऑन मार्स। ये सवाल है। मार्स का मास जो है बेटा इन टर्म्स ऑफ अर्थ दे रखा है। ये ना शॉर्ट में कर दिया ना मैंने, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ था मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो मास उसका दे रखा है अर्थ के कंपैरिजन में 9 times कम, और रेडियस इसका दे रखा है अर्थ के कंपैरिजन में आधा। तो कुछ भी नहीं है यार, हमने करना क्या है, हम जी निकालेंगे ऑन मार्स। तो उसका फार्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर लगेगा। बस यहां पे मार्स का मास होगा, यहां पे मार्स का रेडियस होगा, उसी का मास, उसी का क्या लगा दिया, रेडियस लगा दिया, बाकी कुछ ना, अपने आप ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, तो जी ही रहेगा। यहां पर एम बाय 9 दे रखा है अर्थ के मुकाबले 9 गुना कम, और यहां पर ये देखो एम की जगह मैंने एम ई बाय 9 पुट कर दिया, और नीचे क्या है आर का स्क्वायर, तो रेडियस उसका कितना दे रखा है अर्थ के कंपैरिजन में आधा। तो यहां पे आ जाएगा अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो मैंने आर ई बाय 2 पुट किया है, आर एम की जगह है आर ई बाय 2 पुट किया है, आर ई बाय 2 का स्क्वायर होगा तो आर ई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर गया ये 9 हो जाएगा, ये जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/9 ये एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाएगी, यानी कि मास की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 4/9 होती है। तो उसका मास भी, सॉरी वेट भी मास पर जाकर 4/9 times हो जाएगा। मैंने बोला था सीधा सीधा जी पे डिपेंड करता है, अगर बेटा जी 4/9 times हो गई तो देयरफॉर वेट ऑन मार्स कितना हो गया, 4/9 times वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे कितना था, 90 kgf था, ये कट जाएगा 10 बज जाएगा, 40 kgf आ जाना चाहिए। आंसर 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 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 40 kgf पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये 40 kgf पहले से लिखा हुआ है यार, उधर तो मैं गया ही नहीं। इसका मतलब ये क्या दे रखा था, आंसर ही दे रखा था। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 40 kgf। तो बात को समझो कैसे इस क्वेश्चन को हमने डील करना था। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना स्टार्टिंग तो देनी होती है। तो ये भी हो गया जी अपना। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, व्हाट विल बी चेंज इन जी। अब देखो यार इसको थोड़ा डिटेल में कराऊंगा मैं, ओके। अगर ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए, 90% चांसेस है कि वो 1% आधा परसेंट 2% तक की बात ही करता है, 1% 2% तक की ही बात करता है। तो अगर तो परसेंटेज चेंज बेटा कम है, तो अभी मैं जिस मेथड से करा रहा हूं उसी मेथड से करना है इसको। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता ना कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 20%, तो जो अभी मेथड चलेगी उससे नहीं करना, एक दूसरा मेथड कराऊंगा। कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, कारण भी बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसको मैं सॉल्व कर दूं पहले एज इट इज, फिर उस पर एक और क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और दोनों में फर्क क्या है वो समझाएंगे। मैंने अभी अभी बोला अगर परसेंटेज चेंज छोटा मोटा है, 1% आधा परसेंट 2% तक मान ले, तो अभी जो मेथड लगाने जा रहा हूं उसी से कर देना। तो पहले उसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, यानी परसेंटेज चेंज इन जो आर है वो 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गए, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये है परसेंटेज चेंज इन आर, ये बेटा जी
2% का चेंज हुआ, श्रिंक हुआ, इसलिए माइनस लगाऊंगा, श्रिंक हुआ, श्रिंक माइनस लगाऊंगा, ठीक है जी। व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन जी, जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा वो मांग रहा है। व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन जी, जी का परसेंटेज चेंज मांग रहा है, तो जी का फॉर्मूला लिख। हमारे पास जी इक्वल टू है जी एम बाय आर स्क्वायर। देख, कैपिटल जी में तो चेंज हुआ नहीं है, अब अर्थ श्रिंक कर गई ना, खाली टूट के थोड़ी गिरी है, श्रिंक कर गई तो मास में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मास कांस्टेंट है। अब ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन जब हम करते थे, याद करो फर्स्ट चैप्टर, वो डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर के जब हम लोग क्या किया करते थे मेरे भाई, क्वेश्चन किया करते थे, तो उसमें हम चेक करते थे किसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब इसमें बेटा इसी में चेंज हुआ है, जो भी हुआ है, तो अगर मैं इसमें परसेंटेज एरर वाला कंसेप्ट लगाऊं तो परसेंटेज चेंज इन जी को क्या लिखूंगा, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये तो मेरे भाई आ गया परसेंटेज चेंज इन जी। अच्छा, जी तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट वाली वैल्यू को छोड़ देते होते थे हम, और यहां पर 1/r² है, r की पावर 2 है ना, तो यहां पे 2 लगाते थे और इसकी जगह क्या आएगा, डेल्टा r बाय r इंटू 100, ठीक है, पावर 2 है, डेल्टा r बाय r इंटू 100। अब जब तो बेटा परसेंटेज चेंज निकालते थे ना, परसेंटेज एरर निकालते थे, तब मैं बोलता था यार नीचे हो वैल्यू ऊपर हो आपने प्लस ही करनी है, सारे टर्म्स प्लस आएंगे, लेकिन यहां पे मैं परसेंटेज एरर नहीं निकाल रहा, एरर तो हमेशा बढ़ती है ना, कभी कम नहीं होती, इसलिए उसमें माइनस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे बेटा जी हम एरर नहीं, हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, तो अगर नीचे है वो तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इसकी पावर 2 थी ना, ये जब लगेगा -2 लगेगा, ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि मास 2% चेंज हुआ है और रेडियस 2% चेंज हुआ है, तो मास ऊपर है, इसकी पावर 1 है, वो पॉजिटिव रहती, लेकिन इसकी पावर नीचे थी ना, 2 थी, ये माइनस होगा, माइनस नीचे होने के कारण यहां क्या आएगा, माइनस आएगा जी। बात को समझना, दिक्कत आएगी लाइव में फिर से पूछना, फिर से बताएंगे, वीडियो को रोक कर देखना, लेकिन ये क्वेश्चन आगे भी बहुत काम आएंगे। परसेंटेज एरर का यूज किया है लेकिन निकाल परसेंटेज चेंज रहे हो, तो नीचे वाली चीज इसलिए माइनस लगेगी, बाकी और किसी में चेंज हुआ ही नहीं है, एम कॉन्स्टेंट था, जी कॉन्स्टेंट था, ये आ गया। अब ये चीज क्या बनी मेरे भाई, दिस इज परसेंटेज चेंज इन जी, माइनस आना था नीचे के कारण 2, और ये क्या दे रखा है उसने, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 -2% ने भाई श्रिंक करवाई थी उसने, तो माइनस लगना था, श्रिंक करवाई थी तो नेगेटिव लगेगा। परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन निकालते वक्त डायरेक्ट हो तो जाता है, इसके बाद एक बार सीख लिया तो मूंजबानी हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, बस पहली बार करने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4% आंसर आ गया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब मेरा आंसर आएगा कि जी इंक्रीजेस बाय 4%, जी इंक्रीजेस बाय 4%, जी की वैल्यू में 4% का क्या आया है, इंक्रीज आया है, इट इंक्रीजेस बाय 4%, आंसर 4% है, लेकिन यहां पे लिखना चाहिए इंक्रीजेस बाय भी लिखना चाहिए, क्योंकि भाई 4% का चेंज बोल रहा है, अब वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है क्या पता, तो उसको लिखना चाहिए 4% का क्या आया है, इंक्रीज आया है मेरे बेटा। अगर क्वेश्चन होता कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ एक्सपेंड्स बाय 2%, तो एक्सपेंड हुआ ना, बढ़ गया ना, तो यह प्लस 2 लिखता मैं,
बाकी ये नीचे था तो बाहर तो माइनस आना ही था पावर के साथ, ये प्लस टू होता माइनस प्लस माइनस होता, आंसर माइनस चार आता। श्रिंक होने की बजाय एक्सपेंड होती तो आंसर तो चार ही आता लेकिन माइनस चार आता, मतलब जी डिक्रीजेस बाय 4% आता, यहां पे जी इंक्रीजेस बाय 4% आ गया। ओके जी, मैंने बोला इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को तभी करना है अगर जो परसेंटेज चेंज दे रखा है 1% 2% तक दे रखा है, चले यार 3 वाले में भी कर देना, आधा परसेंट 1% 2% मिलेगा तुम्हें, 3 पे भी कर देना। लेकिन अगर जी में ये जो चेंज है फाइंड करने के लिए बोला है और उसने बोला होता रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 10% बोला होता, कितना बोला होता 10% 20% 5% भी 10% बोला होता, तो कहता निकाल जी में होने वाला चेंज। अब मैंने ये मेथड सिखा दिया, तुमने बोला कि जी कितना दे रखा है रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय -10%, यहां पे मैं क्या लिखता -10%, फार्मूला ये लगाता है डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये -2 तो आना ही था इसके हिसाब से, और यहां पे क्या आ जाता -10 और आंसर क्या आ जाता +20% और हम कह देते इट इंक्रीजेस बाय 20%, कितना 20% का क्या हुआ इंक्रीज, लेकिन ये आंसर आपकी ऑप्शंस में होता लेकिन गलत होता क्योंकि इसके साथ एग्जैक्ट वाली ऑप्शन भी दी होती, क्योंकि बेटा जी छोटी वैल्यूज में अप्रोक्सीमेट करके रिजल्ट वही आ जाता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड है। अगर ये 10% वाला केस आ जाता तो आपको ऐसे नहीं करना था बेटा, फिर इसको पूरा खोल के ही करना था, ये परसेंटेज एरर वाला फंडा नहीं लगाना था इसकी। बेटा जी जो एक्चुअल मेथड होती है हमें फिर वही अप्लाई करनी थी, ठीक है, इसकी एक्चुअल मेथड ही अप्लाई करनी थी। अब एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल मेथड ध्यान से देखना, पहले जो जी है उसका असली फार्मूला जी m/r² है, श्रिंक कर गई, मास तो नहीं ना चेंज हुआ, वैसे बोला होता है मास रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन हम मान के चल रहे हैं मास में चेंज नहीं हुआ, श्रिंक कर गई बस, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये दोनों तो कांस्टेंट मानेंगे। चल जो नया वाला आर है श्रिंक्स बाय 10%, मतलब 10% की कमी आ गई रेडियस में, मतलब 90% रह गया, 10% की कमी आने का मतलब 90% ही रह गया, तो मतलब आर डैश कितना है 90% बचा, 0.9 आर आ गया। अब ये तो समझ में लग ही गया होगा 90% ऑफ आर निकालेगा 0.9 आर आ जाएगा। ओके, तो आर डैश आ गया बेटा 0.9 आर आ गया। अब यहां से जो नया वाला जी है वो कितना आ जाएगा, जी मास में कोई चेंज आया नहीं भाई, नया वाला आर कितना हो गया 0.9 आर हो गया, यानी जी डैश कितना आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1/0.9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये कितना आ जाएगा 0.81 आ जाएगा, ठीक है जी 0.81 आ गया। ये क्या है जी, ये जी है असली वाली, देख पहले वाली, तो जी डैश इक्वल टू जी आ गया, ये आ गया जी डैश इक्वल टू जी इंटू, इसको हटा दे 100/81 आ गया, ठीक है जी डैश इक्वल टू 100/81 आ गया जी। अब बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा जी डैश इक्वल टू 100/81
81 इंटू जी, 100 को 81 से डिवाइड कर ले, तो मार ले भाई कैलकुलेटर इस पे, 100 डिवाइडेड बाय 81 ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वैल्यू आ जाएगी, करके देख जरा 1.23456 7 ऐसे करके कुछ वैल्यू आ जाएगी इंटू जी। अब इसको चल तू राउंड ऑफ कर दे, यहां पर ये आ जाएगा 1.23 लिख लेता हूं, ठीक है जी, 1.23G आ गया, ठीक है जी। अब G डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1.23G आ गई, मतलब G डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1+0.23G, यानी G डैश की वैल्यू कितनी आ गई, G+0.23G, यानी कि जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, G+23% ऑफ जी। भाई करके देख ले, थोड़ा मेथड डायरेक्ट वाले लगा दिए मैंने, तो ये 23% है भैया, 0.2 लगेगा तो मतलब 20%, 0.3 लगेगा तो 30%, 0.23 लगेगा तो 23%, तो मेरे भैया यहां पर आंसर है G increases by 23%, बाकी कैलकुलेट कर लेना, 20 तो नहीं आएगा। डायरेक्ट मेथड से क्या निकाल लिया था, 20% निकाला था, अब कितना आएगा, 23%, असली आंसर क्या है, 23% है। तो ये जो आगे वाली वैल्यू आई है ना बेटा, जितना परसेंटेज कम था उतना ही फर्क कम आएगा, लेकिन जितना परसेंटेज ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा आएगा। अगर 10% में होता तो वहां पे हमने 20 डायरेक्ट मेथड से 20 निकाला था, असली आंसर 23% आ रहा है, ठीक है जी। तो ये भी एक पॉइंट था, ध्यान रखना है, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन तो खैर हमने करवा ही दिया, ओके। अब एक अगला क्वेश्चन भी सुन लो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस बाय 36% या रिड्यूसेस टू 36%। देख दो क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि ध्यान रखना है, बाय 30% बोला है कि टू 36% बोला है। पढ़ो क्वेश्चन को, कराते हैं, हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, एट व्हाट हाइट, तो इसका मतलब हाइट वाला फार्मूला लगेगा, अगर हाइट की बात कर रहा है मेरे भाई तो हाइट वाला फार्मूला लगेगा। अब तुमने हिसाब लगाना है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हाइट में कौन सा वाला फार्मूला लगाऊं, वो शॉर्ट वाला लगाऊं राउंड ऑफ करके जो यूज हुआ हो रहा है, कि जनरल वाला लगाएं, तो हम देख पा रहे हैं यार एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज है 36% का चेंज थोड़ा नहीं होता यार, 36% का चेंज थोड़ा नहीं होता। तो इसमें इतना तो क्लियर है कि हमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना, वो जो जनरल फार्मूला है ना, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1-2H/R वाला नहीं लगाना, 36% का चेंज थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। इसने बोला रिड्यूसेस बाय 36%, 36% कम हो गया, रिड्यूसेस टू 36%, मतलब 36% रह गया। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है जो जी डैश है वो 36% रिड्यूस हुआ है, यानी बचा कितना, 64% बचा ना। फिर से सुनना, जी डैश जो है वो 36% रिड्यूस हुआ है, रिड्यूसेस बाय 36%। भाई अगर 10% कम हुआ तो 90% बचा, 20 कम हुआ तो 80% बचा, यार 100 में से निकाल लेना 36 को, कितना बचा, 64% बचा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो जी डैश है इट रिड्यूसेस बाय 36%, तो मतलब बचा कितना, 64% ऑफ जी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तो बोला ही उसने इट रिड्यूसेस टू 36%, यानी जी डैश जो है वो कितना बचा,
36% ऑफ जी बचा, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो। रिड्यूसर बाय 36 बोला था, मतलब बचा कितना, 64 बचा, उसमें तो रिड्यूसर 236% बोल रहा था। अब 64 और 36 हो, काफी चेंज आया है, मतलब जी डैश इक्वल टू 1 - 2H/R नहीं लगेगा, क्या लगेगा, जनरल वाला जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + H/R का होल स्क्वायर लगेगा। अब ध्यान देना, जी डैश कितना दे रखा है, 64% ऑफ जी, ये है आपका जी डिवाइडेड बाय 1 + H/R का होल स्क्वायर। एच निकालना है बेटा किस साइड पे, 64% ऑफ जी का मतलब 0.64 टाइम्स जी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + H/R का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, ये बच गया यार 0.64 इक्वल टू 1 / 1 + H/R का होल स्क्वायर। इसको यार इधर ले आ, 1 + H/R का होल स्क्वायर यहां रख दिया, ये इधर चले गया, ये 0.64 नीचे चले गया, इसको 100/64 लिख ले यार, ठीक है, 0.64 नीचे गया था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब रूट ले ले, ये क्या बच गया, 1 + H/R का होल स्क्वायर, रूट कर दिया, 1 + H/R ही बचेगा, ये बच जाएगा 10/ क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 + 64 रूट आ गया 64 का 8, ये बच गया मेरे भाई, ये नहीं कराऊंगा यार, अब एक ही कराऊंगा, 1 + H/R इज इक्वल टू क्या बच गया, 10/8, 10/8 मतलब 5/4 H/R इज इक्वल टू 5/4 - 1 H/R इक्वल टू 4/1 यानी H इक्वल टू R/4। चेक कर लेना हमने कोई गलती वलती ना कर दी हो, यानी R/4 काफी हाइट है यार, कितनी हाइट आ रही है ये, R/4 पुट करोगे, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट भी किया था स्टार्टिंग में, R/4 वाला तो 36% रिड्यूस हो जाएगा, 64% रह जाएगी बस इस हाइट पे। बेटा वो अगला वाला पार्ट अपने आप ही कर लेना, उसमें क्या करेंगे, ये तो स्टेप यही रहेगा, यहां पे 64% की जगह 36, यहां पे 0.36 आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, 100/36 आ जाएगा, रूट उसका भी ले लोगे तो यहां पे 1 + ये 10/36 का 10/6 आ जाएगा, वहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है मामला सही ही जा रहा है आपका। तो यार कुछ बातें पहले हो गई, पहला दूसरा तीसरा मेरे ख्याल हो गया, ठीक है, ये भी हो ही गया था, ये भी हो ही गया था, चौथा भी हमने निपटा ही दिया, एक पार्ट मैंने करा दिया, एक अपने आप कर लेना, लास्ट वाला भी अब देख ही दो, अब उसमें क्या रह गया, एक रह गया वो भी देखो, कह रहा है एट व्हाट हाइट जी बिकम्स G/2, ले G/2 आधा कर दिया, अब भाई आधा कर दिया मतलब काफी हाइट पे चले गया, तू जी आधी रह गई, चेक कर जरा कितनी हाइट पे आधी रह जाएगी, क्योंकि जी आधी रह गई तो जाहिर है हाइट काफी होगी, हाइट काफी होगी तो इसका मतलब जनरल वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो जनरल वाला फार्मूला मैंने लगाया, सवाल नंबर 5 का सोल्यूशन मैंने भाई जनरल वाला फार्मूला लगाया, तो वो तो है G/1 + H/R का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लें तो ये बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू G/2 दे रखा ना क्वेश्चन में, बोल रखा है कि आधा रह जाएगा, इसकी जगह पुट कर दे G/2, ये था तेरा जी डिवाइडेड बाय क्या कर 1 + H/R का होल स्क्वायर, जी ने जी को काटा, ये इधर आ गया भाई 1 + H/R का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाके क्या हो गया
2 बन गया, अब इसको सॉल्व भैया करना पड़ेगा, रूट लो 1 प्लस एच बाय आर इक्वल टू रूट 2, यानी कि एच बाय आर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, 1.414 माइनस 1, ये बन जाएगा 0.414 एच बाय आर, देख लेना भाई जल्दबाजी कर दी मैंने, 1 प्लस एच बाय आर तो ठीक ही था, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 कर दिया, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है पता ही है, माइनस 1 माइनस कर देगा तो 0.414 आनी चाहिए, एच इक्वल टू कितना आ गया, एच इक्वल टू आ गया 0.414 इंटू आर, ठीक है जी, निकालना हो पूरा 414 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6400 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉल्व कर देगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा आएगा, आंसर दे नहीं रखा अब अपने आप ही मिलाते रहना मेरे भाई, तो एच की वैल्यू ऐसे निकलेगी। ओके जी, तो यार आज के लेक्चर को अब यहां पे क्लोज कर रहा हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशंस हाइट के साथ, बेसिकली आज का पूरा लेक्चर जो था उसमें जो न्यूमेरिकल्स आए वो हाइट के साथ वेरिएशंस वाले थे, डेप्थ वाले बेटा सिंपल ही होते हैं वो भी चलो देखेंगे या लाइव में करा देंगे या मन किया तो उसके लिए भी वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व कर देंगे। तो यार आज इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं, छोटा हो बड़ा हो अब देख लेना हिसाब लगा लेना, हो सकता है घंटे से नीचे बनाओ इस बार, लेकिन इससे काम अपना चल जाएगा। हाइट की वेरिएशंस को स्पेशल हमने अलग रखा, ओके इसके न्यूमेरिकल निपटा लो, डेप्थ वाले भी अपने आप हो ही जाएंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे डेप्थ वाले भी आपको बोर्ड पे करवा के भेज देंगे, रोटेशन वाले तो मैं कुछ भेजूंगा ही भेजूंगा, ठीक है रोटेशन वाली न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको मिलेगी मिलेगी। तो अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर से वही बात कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आ जाते हो हमारा लेक्चर लगाने के लिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे ब्रेक के बाद।